नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। तीन कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार किसानों का रोष बढ़ता जा रहा है। आज किसानों ने कृषि कानूनों के विरोध करते हुए सिरसा के बाबा भूमन शाह चौक पर केंद्र सरकार का पुतला फूंका और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने एक बार फिर दोहराया कि जब तक केंद्र सरकार इन कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। सिरसा में इन कृषि कानूनों के विरोध में शहीद भगत सिंह स्टेडियम में किसानों में विभिन्न संगठनों द्वारा लगाया जा रहा धरना आज 12 बजे के दिन यानी 12वें दिन भी जारी रहा। आज खास बात ये रही कि एक दूसरे किसान गुट द्वारा लघु सचिवालय में दिया जा रहा धरना भी समाप्त कर दिया गया और तब सभी किसान एक साथ मिलकर के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में धरना जारी रखने का फैसला लिया। पल पल सिरसा से विशेष रिपोर्ट। आज केंद्र सरकार का पुतला फूंक रहे हैं। 14 तारीख को पंजाब की जथेबंदियों को केंद्र सरकार ने बातचीत के लिए बुलाया और वहां बातचीत को बुलाने के बाद में उन जथेबंदियों से बात नहीं की, एक मजाक बनाने का काम किया, मखौल बनाने का काम किया। उसके लिए आज पंजाब के किसानों के पक्ष में केंद्र सरकार का पुतला फूंक रहे हैं। अभी हम आगे तो अभी 22 तारीख को पूरे हरियाणा के अंदर इसके दुष्यंत चौटाला रंजीत चौटाला के इस्तीफे की मांग को लेकर हेडक्वार्टर के ऊपर प्रदर्शन किए जाएंगे, ज्ञापन दिए जाएंगे और 19 तारीख से है जो यहाँ से पक्का मोर्चा से पूरे हरियाणा के लिए एक जत्था चलाया जाएगा जो सभी जिलों के अंदर जाके इस पक्के मोर्चे के अंदर आने का सब लोगों को निमंत्रण देके आएगा। पक्के मोर्चे से यहाँ से सुबह जत्था शुरू किया जाएगा 19 तारीख को। ये धरना लगातार जारी रहेगा जो देश के अंदर तीन काले कानून उन्होंने कृषि विरोधी किसान विरोधी जो बनाए हैं इन कानूनों के खिलाफ ये पक्का मोर्चा तब तक रहेगा जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाते। 26 और 27 नवंबर को दिल्ली का कार्यक्रम बन रहा है, इसकी भी पूरी तैयारी की जा रही है कि दिल्ली को 26 और 27 नवंबर को दिल्ली की तरफ कूच करेगा पूरे देश का किसान। अलग को नहीं थे, सब इकट्ठे ही थे, वो किसी कारणवश एक धरना जो है अलग उनके कार्यक्रम थे तो उन्होंने 4-5 दिन के अपने कार्यक्रम किए थे और वो कार्यक्रम करके कल से है जो इसी पक्का मोर्चा का जो है भगत सिंह स्टेडियम में पक्का मोर्चा लगा है वहीं पर सब संगठन यहाँ पे इकट्ठे हो गए और सारे पूरे देश के सभी किसान संगठन इकट्ठे होकर इन काले कानूनों के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ेंगे जब तक ये काले कानून वापस नहीं हो जाते। पूरे देश के सभी किसान संगठन एक साथ हैं। विरोध तो वही चल रहा है, तीन अध्यादेश जो सरकार ने जारी की हमारे खिलाफ, बड़ा विरोध हमारा वही है। जितने दिन वापस नहीं लेते तीनों अध्यादेश जो काले कानून बना दिए हैं सरकार ने और धक्के से बना दिए, राज्यसभा में बहुमत होते हुए ना भी अरे उनका मोहमत था संसद में पास कर लेते मगर जो धक्के से पास किए गए हैं राष्ट्रपति उनका था सहन हो जाते, उनके विरोध में ये चलेंगे। जब तक वो कानून वापस नहीं लेते तब तक ये विरोध रोजाना चलता रहा है, कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन रोजाना भी जारी रहेगा। धरने जो जहां आपने लगा रखे थे, दो हमने लगाए थे, वो धरना कल संत महापुरुषों की अपील पे हमने कर दिया है। अब लड़ाई है जो हम जोर जोर से लड़ेंगे, जब तक वो वापस नहीं करते हम धरना यहाँ वहाँ जहाँ भी हमें सेटिंग लगेगा आएगा वहाँ वहाँ हम धरने, हर शहर में धरना बढ़ रहा है।